करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारत ही। हमारे साथ जीओजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह मौजूद हैं। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, क्या पसंद आ रहा है आपको मिड कैप स्पेस से? धन्यवाद पूजा आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बहुत ही सोच समझ और सूझबूझ कर अगर आप मझौले या छोटे क्षेत्र में निवेश करते हैं कंपनी में, तो समझदारी रखनी चाहिए आपको और बहुत ही चुनिंदा शेयर्स में और क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर आज दो विकल्प हमने ढूंढे हैं। पहला है मिड कैप कंपनी आईटी क्षेत्र की साइंस लिमिटेड, भिन्न विभिन्न प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स और सुविधाएं उपलब्ध कराती है साइंस लिमिटेड, और निरंतर नतीजे तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल जो नतीजे आते हैं पूजा, वो बहुत ही सकारात्मक आते हैं। आप इनके नतीजे की तुलना चाहे दिग्गज आईटी कंपनियों से कर लीजिए या फिर इसी क्षेत्र की कुछ बाकी अन्य मिड कैप कंपनियां हैं तो उससे तुलना करेंगे तो बहुत अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। और पिछले साल डेढ़ साल में काफी बेहतर मुनाफा निवेशकों की पूंजी में इस कंपनी ने करके दिया है। हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले खास करके ये जो चौथी तिमाही के नतीजे हम देखेंगे वो तो अच्छा आएंगे ही, लेकिन ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है वहां पर भी अच्छे नतीजे आएंगे। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप पूछें तो लंबी अवधि के लिए 2450 का लक्ष्यांक साइंस लिमिटेड पर हमने निर्धारित किया है और जिस स्तर पर यह कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित नजर आते हैं। दूसरा विकल्प है प्लास्टिक पाइप्स, ट्यूब्स और बाकी अन्य सामान बनाने वाली कंपनी प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। मौजूदा स्तर करीबन 600-620 के आसपास है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का। ये एक उभरती हुई कंपनी है पूजा और अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास। प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो काफी बढ़िया है और हर स्तर के प्रोडक्ट बनाते हैं, एंट्री लेवल, मिड और हाई एंड सेगमेंट में। और जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, जिस तरीके से सिंचाई का काम ग्रामीण माध्यम भागों में हो रहा है भारत के, और जिस प्रकार से रिप्लेसमेंट डिमांड और न्यू ऑर्डर मार्केट है, हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी के पास लंबी अवधि की समय सीमा है तो करीबन बहुत ही साधारण से लक्ष्य हमने निर्धारित किए यहाँ पर 700 रुपए के, लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि नतीजे इसके अगर और बेहतर आते हैं हमारे अनुमान से तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये दो विकल्प है। ठीक है, थैंक यू गौरांग जी आपका समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो प्रिंस पाइप अच्छा लग रहा है और साइंट पर भी नजर रखिए, लंबी अवधि के लिए टारगेट्स आपको बताए हैं। इसके अलावा टेक्निकल लिहाज से क्या अच्छा लग रहा है ये समझ लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल बताइए, आपके रडार पर कौन से मिड कैप स्टॉक्स आ रहे हैं? देखिए पूजा, ये मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर में थोड़ी सी तेजी दिख रही है। सिलेक्ट मिड कैप निफ्टी आज जो डिप थी वहां पे 10,775 का लेवल होल्ड किया है, तो यहाँ से हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। तो दोनों में बाय कॉल दूंगा मिड कैप कैटेगरी से। पहला रहेगा MMP, 22 महीने का या 97 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था स्टॉक में 220 रुपए का, वहां से रैली लेके रीटेस्ट किया है स्टॉक करंट मार्च के महीने में और अब फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे 288 के ऊपर, तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। 299 के अराउंड 299 का ब्रेकआउट लेता है तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। 285 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, 335 रुपए का टारगेट रहेगा, लेकिन अगर स्टॉक को 3 से 4 महीने का समय देते हैं तो 395 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा स्टॉक में बाई दूंगा सकुमा, 27 रुपए का इसमें बेस ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकआउट है, 85 वीक्स का बेस बना था, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया था मार्च के महीने में, करंट मंथ में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, 27 रुपए में बाई करना है, 25 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है, 32 रुपए का टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मंथली चार्ट पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 32 पे, तो प्रोबेबली हम यहाँ पे एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करेंगे और 32 निकलने के बाद ये स्टॉक 45 रुपीज तक जा सकता है। तो ये दो मिड कैप में बाइंग रहेंगे मेरी तरफ से।